एट पास मास्टर से चैनल में सबको नमस्ते दोस्तों। आज बनाने वाला हूँ चिकन काई सॉस रेसिपी। दोस्तों रेसिपी पसंद आई तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों चलिए बनाने का तरीका बता रहा, वीडियो में बने रहे। चिकन ले लिया दोस्तों और लिया प्याज, गार्लिक, जिंजर फाइन चॉप में पहले से मार के रख दिया। और लिया 100 ग्राम का स्प्रिंग ऑनियन हरा काला का, इसको ले लिया। काई सॉस में ज़्यादा सामान चाहिए, मतलब स्प्रिंग ऑनियन चाहिए ज़्यादा और प्याज चाहिए इसको अच्छे तरह से फ्राई करने को। मैं पहले इसको मसाला डाल लूँगा। पहले डालूँगा दोस्तों 1 स्पून कॉर्नफ्लावर, 1 स्पून मैदा, इसको अच्छी तरह और डालूँगा, थोड़ी सी नमक और थोड़ी सी अंडा का डालूँगा। इसके बाद में इसको अच्छी तरह से मिक्सिंग करूँगा। दोस्तों मिक्स कर लिया, इसको 5 मिनट तक रख देंगे इसको। अभी मैं फ्राई करेंगे, पहले से ऑयल बैठा दिया था। दोस्तों ऑयल गर्म हो गया, चिकन को एक एक पीस करके छोड़ देंगे इस तरफ से। तो सारे डाल दिया, इसको थोड़ा हिला देंगे इस तरफ से। जब तक गोल्डन कलर नहीं हुआ तब तक निकालना नहीं, क्यों क्यूब्स होने के बाद निकालेंगे, इसको निकालेंगे। अभी सॉस बना लूँगा इसका, पहले चला लिया दोस्तों। दोस्तों तवा बैठा गर्म होने के बाद 50 ग्राम तो ऑयल डाल दूँगा, मतलब तेल डाल दूँगा। दोस्तों तेल गर्म होने के बाद दोस्तों गार्लिक, जिंजर और ओनियन फाइन चॉप था इसको डाल दूँगा, आप लोग को दिखाया था। इस तरफ से डाल के अच्छी तरह से इसको शॉर्टेज करूँगा, जब तक ब्राउन कलर नहीं होगा। दोस्तों इस तरफ से शॉर्टेज करूँगा, देखिए दोस्तों ब्राउन कलर हो गया है। इसके बाद मैं डालूँगा दोस्तों सोया सॉस डालूँगा, थोड़ी सी ज़्यादा करके डालूँगा दोस्तों, कम से कम 25 ml तक डाल दूँगा दोस्तों। क्यों इसका नाम काई सॉस है, सोया सॉस ज़्यादा जाएगा दोस्तों। सोया सॉस डालने के बाद दोस्तों आप लोग का बर्थडे 82 सॉस रहेगा तो वो भी डाल दीजिए, नहीं तो नहीं है तो अवेलेबल कोई बात नहीं। मैं 82 सॉस डाल दिए दोस्तों। इसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से शॉर्टेज करूँगा दोस्तों, इस तरह से शॉर्टेज करने के बाद दोस्तों अच्छी तरह से शॉर्टेज करूँगा, इसको पकाऊँगा, मतलब अच्छी तरह से पकाऊँगा। इसके बाद मैं दोस्तों डालूँगा स्प्रिंग ऑनियन, हरा स्प्रिंग ऑनियन डाल दूँगा, मतलब प्याज का कोली, इसको डालूँगा अच्छी तरह से शॉर्टेज करूँगा, क्योंकि दोस्तों इसमें स्प्रिंग ऑनियन थोड़ी मात्रा में ज़्यादा जाएगा। इसको कम से कम 50 ग्राम तो स्प्रिंग ऑनियन दे। इसके बाद में वाटर डाल दूँगा, मतलब पानी, थोड़ी सी स्टॉक वाटर डालूँगा, अच्छी तरह से सॉस को बना लूँगा। बनाने के बाद दोस्तों देखिए नमक डालूँगा दोस्तों, नमक डालने के बाद थोड़ी सी शुगर डालूँगा दोस्तों, मतलब चीनी डालूँगा। इसके बाद में थोड़ा ब्लैक पेपर डालूँगा, ब्लैक पेपर चाहिए 25 ग्राम तक ब्लैक पेपर डालूँगा। इसके बाद में थोड़ी से पकाने के बाद दोस्तों डालूँगा चिकन, फ्राई हुआ चिकन, इसको डाल दूँगा पूरा से पूरा सारे डाल दूँगा। इसके बाद में इसको अच्छी तरह से मिक्सिंग करूँगा, मतलब शॉर्टेज कर लूँगा अच्छी तरह, इस तरफ से शॉर्टेज करूँगा दोस्तों। देखिए दोस्तों अच्छी तरह शॉर्टेज करूँगा इसको अच्छी तरह से, जब से अंदर से मसाला नहीं घुसता तब तक पकाऊँगा दोस्तों। दोस्तों अभी काई सॉस रेडी हो गया दोस्तों। एक प्लेट लिया, थोड़ी सी मैं गार्निश कर दिया जितना जब मालूम है, उसके बाद में इसमें साफ कर दूंगा दोस्तों। देखिए देखने को कितना मस्त लग रहा है दोस्तों, इसमें स्टार्टर हिसाब भी यूज़ कर सकते हैं। तो रेसिपी पसंद आई तो सही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन।